अस्सलामु अलैकुम वियो के स्टोरीज के साथ मैं हूं रुबाब बर्ग। आज हम कराची के वेल नोन हाउस पराचा हाउस में मौजूद हैं। तो आज देखते हैं कौन कौन से जानवर यहां मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप मुझे बताइएगा कि यहां पे कौन कौन से जानवर मौजूद हैं? यहाँ पे अभी जो बेसिकली मौजूद हैं वो अरेबियन ऑरेक्स, एडेक्स, स्कीमिटर ऑरेक्स, ग्रीन विंग मकाओ, टेमिनेक ट्रैगोमन फीजेंट, जिस सुरखाब की एक वैरायटी है वो है ब्लू एयर फीजेंट, ब्राउन एयर फीजेंट। तो ये वाले कौन से जानवर हैं? ये स्कीमिटर ऑरेक्स हैं। ये दुबई आपके पूरे गल्फ के अंदर पाए जाते हैं जीसीसी में। ये बेसिकली सहारा ऑरेक्स कहलाते हैं। जो जितने भी डेजर्ट के अंदर ऑरेक्स है ना, तो डेयर्स की फैमिली है वो यही है। अच्छा, तो ये कहाँ की ब्रीड है? ये गल्फ जीसीसी कंट्रीज और दुबई हो गया, बहरेन हो गया, कतर हो गया, जितने भी जीसीसी में आते हैं ये वहाँ पाए जाते हैं। सारे जानवर टेम ही हैं क्योंकि ये कैप्टिव ब्रीड के हैं, तो इनकी केयर इतनी मुश्किल नहीं है जिस तरह आप आम बकरा और गाय वगैरह पालते हैं, ये उसी तरह से इनको भी पाला जाता है। अच्छा, तो खुराक क्या देते हैं अपने? खुराक भी सेम लाइक जो बकरा खाता है, जो गाय खाती है, वही चीजें खाते हैं, घास और चारा वगैरह। इनकी एज वाइज, एज जो है इनके हॉर्न से पता लगती है, जितने इनके हॉर्न पे रिंग होते हैं उस हिसाब से इनकी एज होती है। ये इम्पोर्ट कहाँ से करवाया? ये मैंने दुबई से इम्पोर्ट कराए हैं, बाय सी आए हैं मेरे, मेरे पास काफी सारे आए थे बाइक में, तो सारे जो है डिस्पैच कर दिए। ये अपने शौक के लिए एक ट्रायो मैंने रोक लिया ये वाला। इसके अलावा भी मैं सारे एंटीक एनिमल्स जो है उनका शौकीन हूँ, तो वही मैं बाहर से इम्पोर्ट कराता हूँ। लामा हो गया, अल्पाका हो गए, उसमें और किस्म के फेलो डियर्स हो गए, और काफ़ी सारे डियर्स की ब्रीड है, वो सब मैं इम्पोर्ट कर। तो आपको कब से शौक हुआ है? शौक तो मुझे ये बचपन से ही है। बचपन में जब था तो छोटी चिड़िया वगैरह या मुर्गियाँ वगैरह पालता था। फिर ऐसा ऐसा टाइम टू टाइम जब एज में इजाफा होता गया, शौक में इजाफा होता गया, तो फिर इन पे वाइल्ड एनिमल्स में आ गया। अच्छा, ये कौन सी ब्रीड है? ये एडेक्स हैं। ये भी एक गल्फ कंट्रीज में ही पाए जाते हैं। ऑरेक्स की फैमिली से नहीं है, लेकिन ये इनका नाम एडेक्स है। ये सर्दी में फुल रेडिश डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं, और गर्मी के अंदर ये इस कलर में हो जाते हैं। ये एडेक्स कहलाते हैं, और ये भी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आए, इससे पहले ये भी पाकिस्तान कभी नहीं आया। बिल्कुल, मैं इनकी ब्रीड करा रहा हूँ मेरे फार्म हाउस पे। माशाल्लाह इन्होंने ब्रीड भी कर चुके हैं मेरे पास। अच्छा। फार्म हाउस पे एक एक ट्रायो रखा हुआ है इनका, तो वहाँ ब्रीड भी आ चुकी है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि अलीम पराचा कौन है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे उसे? अलीम पराचा तो अब एक ब्रांड सा बन गया है एनिमल्स लवर जो है उनके लिए, क्योंकि मैं पाकिस्तान में वो चीज़ें लेके आता हूँ, इम्पोर्ट करता हूँ जो आज से पहले किसी ने ना की। मैं कोशिश वही करता हूँ कि जो चीज़ पाकिस्तान में नहीं है, जो पाकिस्तान वालों ने नहीं देखी, उनको वही दिखाया जाए। तो मेरा सारा फोकस ही इन पे होता है, तो इस वजह से काफ़ी एंटीक और यूनिक एनिमल लाने की वजह से मेरा नाम थोड़ा सा बन गया। ठीक है, तो आप ये मकाओ के बारे में बताइएगा कुछ। ये मकाओ जो है, ये ग्रीन विंग मकाओ है। ये असल में ब्रीडर पेयर है, इसलिए इनको मैंने रखा हुआ है। अच्छा, ये जितने भी ब्रीडर पेयर होते हैं मकाओ में या किसी भी पैरेट में, वो वाइल्ड होते हैं। अच्छा, जितने भी टेम होंगे हाथ पे बैठने वाले, वो ब्रीड नहीं करते हैं। अगर ब्रीड करेंगे भी तो वो ले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब कोई टेम बर्ड होता है, उसने अगर एग ले करे, आप उसके करीब गए, तो वो बॉक्स से बाहर आ जाएगी, आपको रिस्पॉन्स दे रहे, तो उसके वो अंडे जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तो ब्रीड जितनी भी होती है वो वाइल्ड कॉट्स में से या वाइल्ड एनिमल्स की ब्रीड होती है पैरेट्स में। तो इस तरह ये मैंने ग्रीन विंग रखा हुआ है अपने ब्रीड के लिए। इसमें काफ़ी सारे कलर्स आते हैं। इसका कॉमन जो पाकिस्तान में या दुनिया भर में कॉमन पाए जाते हैं, उसमें सबसे सस्ता जो होता है वो ब्लू एंड गोल्ड होता है, उसके बाद ग्रीन विंग होता है, उसके बाद स्कारलेट होता है, बहुत सारे हैं, मिलिट्री मकाओ है, वो काफ़ी सारी म्यूटेशन आते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने पराचा हाउस का आपको विजिट करवाया और एनिमल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी और उनसे मिलवाया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे किसी नए जानवरों के साथ और नए एक्सपर्ट के साथ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। यार नहीं।